जय माँ भवानी, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राठौड़ रिएक्शन में। हमारे देश भारत में कई सारे रीति रिवाज, कई सारे प्रथाएं प्रचलित थी, कुछ आज भी जारी है तो कुछ अब बंद हो गई है। उनमें से एक प्रथा थी सती प्रथा। सती प्रथा सही थी या गलत, इसके ऊपर कई सारे उदाहरण मिलते हैं। जो लोग सती प्रथा को गलत मानते हैं या कायरता या जिम्मेदारियों से भागना मानते हैं, उनको आज इस वीडियो में जवाब दिया गया है। सती प्रथा का प्रचलन हमारे राजपूत समाज में बहुत अधिक था। जब कोई वीर योद्धा युद्ध में शत्रु से लोहा लेते हुए वीर गति प्राप्त कर लेते थे, तो उस वीर योद्धा की पत्नी अपने पति के शव को गोद में लेकर स्वयं उसके साथ चिता पर बैठकर सती हो जाती थी। यह सब अभी सुनने में बहुत भयावह लगता है कि कैसे कोई स्वयं को जीवित आग के हवाले कर सकता है। इसीलिए कई बार ये सवाल भी उठता है कि सती होना सही था या गलत। मुझे भी कई कमेंट और मैसेज मिले कि आप बताओ, अपनी राय दो। तो आज के वीडियो में हम यही सब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये सती शब्द आया कहाँ से। सबसे पहले सती शब्द का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जहाँ भगवान शिव की पत्नी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर स्वयं को यज्ञ की ज्वाला में समर्पित कर सती हो गई। इसके अलावा सती शब्द सती सावित्री के रूप में भी उल्लेखित मिलता है, जिसने अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस लाकर अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया था। इसके अलावा भी सती अनुसुईया आदि कई पौराणिक नाम हमारे सामने आते हैं। इन सब से एक बात साफ हो जाती है कि जो लोग सती का मतलब सिर्फ यही मानते हैं कि जो अपने पति के साथ आग में जल जाए वो सती, ऐसा नहीं है। सती का असली मतलब होता है कि जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन पूर्ण रूप से करे, जिसके लिए उसके पति का मान सम्मान इज्जत ही सब कुछ हो, वो स्त्री सती कहलाती है। अब जिनको लगता है कि सती होना कायरता या जिम्मेदारियों से भागना है, तो उनके लिए कुछ उदाहरण लेकर आया हूँ, जिनसे ये साबित हो जाएगा कि सती होना कायरता नहीं बल्कि एक घनिष्ठ प्रेम की पहचान है, एक त्याग और बलिदान की पहचान है। उदाहरण नंबर एक, जब एक भाई दूसरे भाई के साथ सती हो गया था। जी हाँ, ये एक बहुत विरला उदाहरण है कि किसी भाई का अपने भाई के पीछे सती होना। लधु सतीवान, जो कि सोढ़ा राजपूत भाई थे, ऐसे भाई जिनके प्रेम की मिसालें पूरा सोढ़ान क्षेत्र देता है कि भाई हो तो लधु सतीवान जैसा। उदाहरण नंबर दो, मेरे स्वयं के गांव की एक ऐतिहासिक घटना, जहां अपने देवर को अपने पुत्र से भी बढ़कर मानने वाली भाभी उसके साथ सती हो गई थी। जी हां, ये सब सच है। अब बताइए, कोई शब्द हो तो बोलिए। अब उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा जो ये मानते थे कि सती होना कायरता या जिम्मेदारियों से भागना है। यह कायरता नहीं, वीरता की निशानी थी। जहां आग की छोटी सी लपट हमारी उंगली को भी छू जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो सोचो, अपने जीवित शरीर को आग के हवाले करना कैसे किसी कायर का काम हो सकता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सती होना सही नहीं था, क्योंकि इस प्रथा के कारण हम एक वीरांगना को खो देते थे। लेकिन उन्हें कायर बोलना ये सही नहीं है, उन्हें जिम्मेदारियों से भागना बोलना ये सही नहीं है। उनकी इस वीरता और त्याग के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। जैसे आज भी कोई सैनिक शहीद होता है तो हमें उस पर गर्व होता है, लेकिन क्या शहीद होना सही है? नहीं, इससे हम एक वीर को खो देते हैं, जो कि गलत है, बहुत गलत। लेकिन क्या हम शहीद की इस शहादत को कायरता कहेंगे?
उसे जिम्मेदारियों से भागना कहेंगे कि उसे तो कहीं चुप के बैठ जाना चाहिए था भाई, उसके घर की जिम्मेदारियां संभालनी थी, वो लड़ने क्यों गया। इसलिए बस यही कहूँगा कि आप किसी के निर्णय से एग्री नहीं करते मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के त्याग और बलिदान को बदनाम तो मत कीजिए।